इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में विभिन्न जॉब रोल्स के इस सत्र सेशन में आपका स्वागत है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कई जॉब रोल्स हैं एनएसडीसी अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने पांच जॉब रोल्स को स्वीकृत किया है और अन्य जॉब रोल्स स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। आइए हम उन जॉब रोल्स पर चर्चा करते हैं जिन्हें एनएसडीसी ने स्वीकृत किया है वे हैं कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन सीनियर लाइनमैन लाइनमैन कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन और टेक्निकल हेल्पर आइए पहले हम कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन के जॉब रोल को समझते हैं एक कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन बनने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए नौकरी करने के लिए आवश्यक उम्र 18 वर्ष है कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन की तरह काम करने के लिए उम्मीदवार को टेक्निकल हेल्पर या शिक्षु के रूप में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन को कार्यस्थल पर लो वोल्टेज सिंगल फेस या तीन फेस कंज्यूमर एनर्जी मीटर या सहायक उपकरण को इंस्टॉल करना निकालना या बदलना होगा यह ऊर्जा प्रदाताओं एनर्जी प्रोवाइडर द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार किया जाता है आइए अब हम सीनियर लाइनमैन के जॉब रोल को समझते हैं एक सीनियर लाइनमैन बनने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए नौकरी करने के लिए आवश्यक उम्र 18 वर्ष है सीनियर लाइनमैन बनने के लिए उम्मीदवार को पांच वर्ष तक लाइनमैन की तरह काम करने का अनुभव होना चाहिए सीनियर लाइनमैन ओवरहेड और अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्मित करने संचालित करने अनुरक्षित करने और मरम्मत करने के लिए जांच करता है और एक टीम के साथ काम करता है उसे ग्राहकों सीनियर मैनेजमेंट विक्रेताओं और अन्य प्राधिकरियों के साथ बातचीत करना पड़ता है सीनियर लाइनमैन ओवरहेड और अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्मित करने संचालित करने अनुरक्षित करने और मरम्मत करने के लिए जांच करता है और एक टीम के साथ काम करता है उसे ग्राहकों सीनियर मैनेजमेंट विक्रेताओं और अन्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत करना पड़ता है आइए अब हम लाइनमैन कंस्ट्रक्शन के जॉब रोल्स को समझते हैं लाइनमैन कंस्ट्रक्शन बनने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए नौकरी करने के लिए आवश्यक उम्र 18 वर्ष है लाइनमैन कंस्ट्रक्शन की तरह काम करने के लिए उम्मीदवार को टेक्निकल हेल्पर या शिशु के रूप में दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए लाइनमैन कंस्ट्रक्शन को ओवरहेड और अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना होगा आइए अब हम लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन के जॉब रोल को समझते हैं लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन बनने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए नौकरी करने के लिए आवश्यक उम्र 18 वर्ष है लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करने के लिए उम्मीदवार को टेक्निकल हेल्पर या शिशु के रूप में दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरहेड और अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को संचालित अनुरक्षित और मरम्मत करना होगा अब हम टेक्निकल हेल्पर के जॉब रोल को समझते हैं टेक्निकल हेल्पर बनने के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए नौकरी करने के लिए आवश्यक उम्र 18 वर्ष है टेक्निकल हेल्पर बनने के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन को ओवरहेड और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्मित संचालित अनुरक्षित और मरम्मत करने में सहायता करता है आइए अब हम विभिन्न जॉब रोल्स पर नजर डालते हैं जो स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है इनमें निम्न सम्मिलित हैं ग्रेजुएट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सबस्टेशन इरेक्शन और कमीशनिंग अटेंडेंट सब स्टेशन टेक्नीशियन ग्रिड सबस्टेशन का संचालन और अनुरक्षण इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिलिंग और कैश कलेक्टर टेक्नीशियन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मरम्मत करना कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ग्राहक सेवा प्रतिनिधि असिस्टेंट केबल ज्वाइंटर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और असिस्टेंट जीआईएस मैपिंग आइए हम डाउनस्ट्रीम कार्यों के तहत कुछ जॉब रोल्स पर नजर डालते हैं वे हैं टेक्नीशियन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग सॉल्यूशंस सुपरवाइजर और स्ट्रीट लाइटिंग सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिशियन ऑफ डोमेस्टिक सॉल्यूशंस